गुड मॉर्निंग। अब देखिए उत्सर्जन तंत्र, इससे पहले मैंने उत्सर्जन तंत्र में उसका एक बेसिक परिचय आपको दिया था, उसमें कुछ ऐसे फैक्ट्स थे जो से आपको नोट करने चाहिए। लेकिन देखिए अब अगला है उत्सर्जन तंत्र। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्सर्जन तंत्र किसे कहते हैं या उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। देखिए उत्सर्जन तंत्र उधर मैंने बता दिया है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र, देखिए जो ये इसमें जो मुख्य पार्ट्स होते हैं, जैसे मैंने बताया कि मनुष्य में मुख्य उत्सर्जन क्या है, वृक्क है, यानी कि किडनी। किडनी क्या होता है कि ये संख्या में कितने होते हैं, दो होते हैं। किडनी संख्या में कितने होते हैं, दो होते हैं। और उदर गुहा, उदर गुहा यानी कि देखिए ऊपर ये वाला भाग कौन सा हमारा वक्ष है, इससे नीचे वाला भाग जो पेट वाला भाग है इसे हम क्या कहेंगे, उदर। इस उदर गुहा में कशेरुक दंड, जो देखिए ये जो रीड कैंडी है दिखाई दे रही है इसे हम कहेंगे कशेरुक दंड। इस कशेरुक दंड के दाएं और बाएं यानी कि एक दाया और एक बाया, यानी कि कशेरुक दंड के इधर उधर या कह सकते हैं दाएं बाएं, यानी कि भूरे रंग के, कैसे, ब्राउन कलर, भूरे रंग के और सेम के बीज के आकार का। देखिए ये मैंने बता रखा यहाँ पर सेम के बीज के आकार का कि जो संरचनाएं होती हैं हम इसे क्या कहते हैं, वृक्क कहते हैं। इस वृक्क का काम क्या है, रक्त का फिल्टर करना। अब यहाँ पर देखिए ये जो वृक्क है ये इसका बाहरी किनारा कैसा होता है, उभरा हुआ होता है और अंदर वाला भाग जो होता है ये क्या होता है, धसा हुआ होता है। इसमें देखिए एक और डायग्राम इसी प्रकार से, देखिए यहाँ पर स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि देखिए ये वाला भाग कौन सा मेरा दाया है, तो ये दाया वृक्क हो जाएगा, और इधर वाला भाग क्या है मेरा बाया है, तो ये वाला वृक्क कौन सा होगा, बाया वृक्क। जो बाया वृक्क होता है वह दाएं के अपेक्षा कुछ ऊपर की ओर होता है, या हम इस प्रकार से इसको कह सकते हैं कि जो दाया वृक्क होता है वह बाएं के अपेक्षा कुछ नीचे होता है। अब देखिए मैंने क्या बताया कि इसमें बाहरी किनारा कैसा होता है, उभरा हुआ होता है, और अंदर वाला भाग क्या होता है, धसा हुआ होता है। इस धसे हुए भाग को कहते हैं हाइलस, कहते हैं क्या कहते हैं, हाइलस। और इसी हाइलस से क्या होता है, मूत्र नलिका निकलती है, यूरेटर उसको कहते हैं। यहां से क्या निकलती है, मूत्र नलिका इस प्रकार। और ये मूत्र नलिका जो होती है वह एक थैली नुमा संरचना होती है, यहां पर ब्लेडर कहते हैं इसको, जिसे मूत्राशय कहते हैं। इस मूत्राशय में आकृति क्या होती है ना, संचित रहती है। और यहां से ये क्या है, मूत्र मार्ग, यूरेथ्रा। और इस मूत्र मार्ग से हम उसको कहते हैं समय समय पर यूरिन को कहते हैं शरीर से बाहर क्या। देखिए इसका नाम है बायां वृक्क, दाया वृक्क, मूत्र वाहिनी, इसे मूत्राशय, इसे कहेंगे मूत्र मार्ग। कहेंगे मूत्र मार्ग। देखिए ये इसके मुख्य भाग है, और इस वाले जो सवा भाग है इसे क्या कहते हैं, कहा हाइलस कहते हैं, क्या कहते हैं, हाइलस। और यहीं से क्या होता है, मूत्र नलिका निकलती है जो इस मूत्राशय में आकर के खुलती है। अब देखिए मैंने क्या बताया कि जो ये जो वृक्क होते हैं यह कशेरुक दंड के दाएं और बाएं यानी कि इधर उधर क्या होता है, स्थित होते हैं। और इनकी संख्या कितनी होती है, दो होती है। संख्या कितनी होती है इनकी, दो होती है। इनका काम क्या होता है, रक्त का फिल्टर करना, रक्त का फिल्टर करना। अब देखिए इस जो इसके ऊपर क्या होता है, एक ओपी नुमा इस प्रकार की संरचना होती है जिसे हम क्या कहते हैं, एड्रिनल ग्रंथि भी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, एड्रिनल
ग्रंथि या अधिवृक्क आदि अधिवृक्क ग्रंथि भी कहते हैं। अब देखिए इस किडनी की जो लंबाई होती है वो यानी कि ये जो लंबाई है इसकी कितनी होती है 10 सेंटीमीटर होती है और इसकी जो चौड़ाई होती है वो चौड़ाई कितनी होती है 6 सेंटीमीटर होती है और लगभग यह 2.5 सेंटीमीटर कैसा होता है मोटा होता है। 2.5 सेंटीमीटर क्या होता है मोटा होता है चौड़ा होता है और 10 सेंटीमीटर क्या होता है ये लंबा होता है। अब देखिए अगर हम मनुष्य की बात करते हैं तो मनुष्य में इस वृक्क का जो भार होता है वो कितना होता है इसका वेट होता है मनुष्य में। मनुष्य में भी देखिए मनुष्य में स्त्री पुरुष दोनों आ जाते हैं तो हम इसको अलग करके देखिए पुरुष में वृक्क का भार अगर कोई पूछता है तो यह 125 से लेकर के 170 ग्राम होता है। 125 ग्राम से लेकर कितना होता है 170 ग्राम होता है। ऐसे अगर हम स्त्री की बात करते हैं तो उसमें कितना होता है 115 से लेकर के 150 ग्राम। ये अलग अलग देखिए पुरुष में वृक्क का भार कितना हो जाएगा 125 से लेकर के 170 ग्राम और जबकि स्त्री में कितना होता है 115 से लेकर के 150 ग्राम होता है। अब देखिए इसके बाद क्या होता है कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि देखिए इस वृक्क के दो भाग होते हैं। इस वृक्क के कितने भाग होते हैं दो भाग होते हैं। इसके दो भाग यानी कि जो बाहरी भाग होता है जिसे हम क्या कहते हैं कॉर्टेक्स कहते हैं कॉर्टेक्स और यही कॉर्टेक्स जो भाग है ये जो कॉर्टेक्स इसका जो भाग है यही क्या करता है रक्त का फिल्टर करता है और इसके अंदर कुछ पिरामिड्स होते हैं और जिसे हम या आंतरिक भाग वृक्क का जो आंतरिक भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं मेड्यूला कहते हैं। क्या कहते हैं इसको मेड्यूला कहते हैं और यहां पर देखिए यहीं पर क्या होता है कि इसी कॉर्टेक्स में क्या होता है अत्यधिक कुंडल के कुछ संरचनाएं पाई जाती हैं जिसे हम क्या कहते हैं नेफ्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं नेफ्रॉन। यहां पर देखिए नेफ्रॉन प्रत्येक वृक्क में इन नेफ्रॉन की जो संख्या होती है वो लगभग क्या होती है 10 लाख होती है। कितनी होती है 10 लाख होती है और इन्हीं नेफ्रॉन्स के द्वारा यूरिन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है यूरिन। और अब देखिए 10 लाख अत्यधिक सूक्ष्म कुंडलित नलिकाएं होती हैं जिसको हम क्या कहते हैं नेफ्रॉन कहते हैं। यहां पर देखिए एक नंबर का क्वेश्चन पूछता है कि नेफ्रॉन किसे कहते हैं तो नेफ्रॉन वृक्क की क्रियात्मक व संरचनात्मक इकाई को क्या कहते हैं नेफ्रॉन कहते हैं या वृक्काणु भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं नेफ्रॉन या वृक्काणु कहते हैं। इसके कितने होते हैं लगभग प्रत्येक वृक्क कितना होता है 10 लाख। इसीलिए देखिए यहां पर क्या है कि इस किडनियों को हमें अगर सेफ अगर रखनी है तो क्या है उसका कारण कि हमें अत्यधिक पानी पीना पड़ेगा। पानी हर घंटे एक गिलास पानी अगर पीते हैं तो हमारी किडनी क्या हो जाएगी सुरक्षित हो जाएगी। अब देखिए क्यों क्यों ऐसा क्यों मैंने कहा क्योंकि ये देखो कैसे होते हैं साइलेंट किलर होते हैं धीरे धीरे। देखिए 10 लाख अगर हम इस 10 लाख में से एक नेफ्रॉन डैमेज हो जाता है तो कोई असर पड़ेगा नहीं क्यों जो अन्य नेफ्रॉन है उसका भी वही काम है। जब एक किडनी पूरी खराब हो जाएगी तो उसी का अधिक काम दूसरी किडनी हमारी काम कर रही होती है तो दूसरी किडनी वही काम करती है रक्त को फिल्टर करती है यूरिन बनाती है और फिर धीरे 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 जब इसके ऊपर लोड पड़ेगा तो फिर इसके में भी क्या होगा उसका असर पड़ेगा धीरे 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 वो भी क्या हो जाएगी डैमेज होना प्रारंभ हो जाएगी और जब पूरी किडनी डैमेज हो जाएगी तो फिर हम क्या हो जाएंगे डेथ या सीधे सीधे कह लो जब किडनियां खराब हो जाएंगी तो फिर हमें डायलिसिस कराना पड़ेगा सप्ताह में एक बार। क्यों क्योंकि इसका काम क्या होता है जो शरीर में जो उपापची जो क्रियाओं के फलस्वरूप जो नाइट्रोजन युक्त या अपशिष्ट या जो हानिकारक पदार्थ होते हैं जो विषैले पदार्थ होते हैं उसको शरीर से बाहर निकालने में हमारे वृक्क क्या होते हैं सहायक होते हैं। धन्यवाद।